हमेशा से इंसानी आदत रही है कि हम हर चीज को सरल से भी सरल बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो हमारी जीवन शैली हो या फिर ब्रह्मांड को समझना हो। वैज्ञानिक हमेशा से एक ऐसी थ्योरी को डेवलप करना चाहते हैं जिसके नियम ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज के ऊपर लागू हों, फिर चाहे वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हों या फिर स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हों। इसी कोशिश में लगे वैज्ञानिकों ने स्ट्रिंग थ्योरी को दुनिया के सामने रखा और यह थ्योरी ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज के ऊपर लागू होती है। तो फिर इस थ्योरी को आज तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का दर्जा क्यों नहीं दिया गया और कैसे स्ट्रिंग थ्योरी चीजों को एक्सप्लेन करती है, आइए जानते हैं। कुछ साल पहले तक हम मानते थे कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम है, लेकिन बीते समय के साथ साथ वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे हमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिले। इन पार्टिकल्स को और ज्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सका, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिकों के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे थे कि हम अपने किसी भी उपकरण की मदद से इन पार्टिकल्स को देख पाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस चीज से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती हैं, जिसके बाद हमारा ब्रेन उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा कैरी की गई इन्फॉर्मेशन को इमेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी चीज से इंटरेक्ट ही ना करें तो उस चीज को देख पाना संभव नहीं है। यही सेम प्रॉब्लम थी कि हमारे उपकरण इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को देख पाने में सक्षम नहीं थे। ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन पार्टिकल्स से इंटरेक्ट किए बिना ही इनके बीच से गुजर जाती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और छोटा बनाया ताकि वो एलिमेंट्री पार्टिकल से इंटरेक्ट कर सकें, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई और जब हमने इसे एलिमेंट्री पार्टिकल से इंटरेक्ट कराया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन पार्टिकल्स को उनकी जगह से डिस्प्लेस करके गुजर गई। इससे यह साबित होता है कि हमारे देखने की वजह से चीजों में बदलाव आ जाता है और हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को ठीक से नहीं देख सकते। इसी को नाम दिया गया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो पूरी क्वांटम फिजिक्स की नींव है। तो अब सवाल है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैसे दिखते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? हमारे पास इन दोनों सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन अगर हम अलग अलग उपकरणों की मदद से इन्हें देखने का प्रयास करते हैं तो हमें ये किसी धुंधले स्फीयर की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम इन पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख पाते। हमें बस इतना पता है कि ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में हम इन पार्टिकल्स के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन इंसानों ने अपनी आदत के अनुसार इन पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक नए मैथमेटिकल फिक्शन को ही इन्वेंट कर लिया, जिसे नाम दिया गया पॉइंट पार्टिकल। हमने डिसाइड किया कि हम किसी पार्टिकल को यह मानेंगे कि वह स्पेस में मौजूद एक पॉइंट की तरह है। जैसे अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को स्पेस में मौजूद एक पॉइंट माने तो इस इलेक्ट्रॉन का एक निर्धारित इलेक्ट्रिक चार्ज और मास होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल से अलग होंगे। इस तरह से वैज्ञानिक इन पार्टिकल्स को डिफाइन कर सकते हैं और इनके इंटरेक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे नाम दिया गया क्वांटम फील्ड थ्योरी, जिसने कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। यहाँ तक कि जो टेक्नोलॉजी हम अपने आसपास देखते हैं उसमें भी इस थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ग्रेविटी। क्वांटम मैकेनिक्स में मौजूद सभी फिजिकल फोर्सेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वजह से जन्म लेते हैं, लेकिन आइंस्टीन के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद फोर्सेस की तरह ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर ब्रह्मांड किसी ड्रामा की तरह है और इसमें मौजूद चीजें या पार्टिकल्स किसी एक्टर की तरह हैं, तो फिर ग्रेविटी वह स्टेज है जिसके ऊपर यह पूरा ड्रामा चल रहा है। इसे अगर सरल भाषा में डिफाइन करें तो ग्रेविटी थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री है और यह ज्योमेट्री खुद स्पेस टाइम से बनी हुई है। इस ज्योमेट्री में हम ग्रेविटी का इफेक्ट दो चीजों के बीच में एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब बात आती है क्वांटम वर्ल्ड की, तो इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकें। यही कारण है कि जब हम ग्रेविटी की प्रॉपर्टीज को क्वांटम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं
तो हमारी मैथमेटिक्स ही गलत साबित हो जाती है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम ग्रेविटी को क्वांटम फिजिक्स में सही तरीके से जोड़ दें तो हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाएगी। इसीलिए कई महान वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नई थ्योरी को दुनिया के सामने रखा और इसी थ्योरी को आज हम स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को अलग अलग तरीके के वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के रूप में डिफाइन करती है। ये ठीक किसी गिटार या वायलिन की तरह है, जिसमें अलग अलग स्ट्रिंग्स के वाइब्रेट होने की वजह से हमें अलग अलग तरीके के साउंड सुनाई देते हैं। इस थ्योरी में सबसे खास बात यह है कि इसमें ग्रेविटी भी शामिल है, और यह थ्योरी ब्रह्मांड में मौजूद सभी फंडामेंटल फोर्सेस को एकदम सही तरीके से डिफाइन करती है। स्ट्रिंग थ्योरी में वो सभी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर मैथ्स जो इस थ्योरी में यूज की गई है वो थ्री डायमेंशन में वर्क नहीं करती, और हमें अभी तक फोर डायमेंशन ही पता है, थ्री डायमेंशन स्पेस के और एक डायमेंशन टाइम का, जबकि स्ट्रिंग थ्योरी को काम करने के लिए 10 डायमेंशन की जरूरत है। इसीलिए कई सारे वैज्ञानिकों ने और ज्यादा डायमेंशन को खोजने की कोशिश की ताकि स्ट्रिंग थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव किया जा सके, लेकिन किसी वैज्ञानिक को सफलता नहीं मिली। यही कारण है कि आज तक स्ट्रिंग थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया जा सका। इसीलिए कई वैज्ञानिकों का कहना है कि यह थ्योरी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि साइंस की नींव ही प्रेडिक्शन और एक्सपेरिमेंट है। यानी कि जिस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कुछ हद तक हमारे लिए यूजफुल भी साबित हुई है। स्ट्रिंग थ्योरी की मदद से हम क्वांटम फिजिक्स के कुछ बहुत ही कठिन सवालों के जवाब ढूंढने में सक्षम हो पाए हैं, जैसे कि ब्लैक होल कैसे काम करता है, या फिर इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। हो सकता है कि भविष्य में हम और डायमेंशंस को खोजने में सफल हो जाएं, और तब स्ट्रिंग थ्योरी को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का दर्जा दिया जा सकेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें।